कई सारे लोग ये सवाल करते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट में कितने IAS ऑफिसर काम करते हैं, पर उससे भी पहले आपको यह जानना जरूरी है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक IAS ऑफिसर को कौन कौन सी पोस्ट दी जा सकती है, मतलब कि एक IAS ऑफिसर किस किस पोस्ट में काम कर सकते हैं। उसके बाद ही आपको इस सवाल के जवाब को जानने में इंटरेस्ट आएगा। एक IAS ऑफिसर को डिस्ट्रिक्ट में कई अलग अलग पोस्ट दी जाती है, जैसे कि डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट है, SDM की पोस्ट है, उसके बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट भी दी जाती है, इसके बाद कलेक्टर भी बनाया जाता है। अगर वह डिस्ट्रिक्ट संभाग के रूप में भी है तो वहाँ पर कमिश्नर भी बनाया जाएगा, इसके साथ ही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बनाया जाता है। इस तरीके से एक IAS ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पोस्ट पर काम करते हैं। जैसा कि मैं शुरू में बताई हूँ कि एक IAS ऑफिसर को डिप्टी कलेक्टर, SDM, ADM बनाया जाता है, तो आपके मन में सवाल तो आ ही रहा होगा कि हम तो ये जानते हैं कि PCS ऑफिसर डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, तो फिर यहाँ पर मैं IAS ऑफिसर बनते हैं ये कैसे बता रही हूँ। इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हुई हूँ, इस वजह से उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगी। अब हम बात करते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट में कितने IAS ऑफिसर काम करते हैं, तो आपको बताना चाहूंगी कि ये कुछ चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 कि वो जिला कितना बड़ा है। नंबर 2 कि डिस्ट्रिक्ट केवल डिस्ट्रिक्ट है या संभाग के रूप में भी है। अगर एक डिस्ट्रिक्ट संभाग के रूप में है तो मतलब कि वहाँ पर एक IAS ऑफिसर कमिश्नर के रूप में भी नियुक्त होंगे। नंबर 3 कि डिस्ट्रिक्ट अगर बड़ा है और वहाँ पर नगर निगम है तो नगर निगम में भी एक IAS ऑफिसर की पोस्टिंग हो सकती है। जिन एस्पिरेंट को इस बारे में जानकारी नहीं है उन तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें।